फ्रेंड जय माता दी। तो आपको तीसरे नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर दी है, सारा काम हो गया है। तो फिर हम चलते हैं अपना, जैसे पूजा का रूटीन है तो पहले अभी काम वाम मैंने सारा कर लिया, पूरा घर क्लीन हो चुका है। अब करेंगे, और बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, तो पूजा पूजा कर लेंगे। तो मैंने अपना जैसे फूल माला की थाली कर ली है तैयार, तो और भी तैयारी कर लेते हैं, चलते हैं। और आलू बॉईल करने रख देती हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। तो मैं सोच रही हूँ आलू के पराठे बना लूँ, आलू बॉईल करने रख देती हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। तो उपला यहाँ रख दिया है, तो चलते हैं और अपनी तैयारी भी करते हैं। तो आज पूजा से स्टार्टिंग होगी मेरी, काम से नहीं, क्योंकि रोज रोज काम क्या दिखाऊं। और देखो, और सारा क्लीन हो गया है, तो बाद में मैं बदलूंगी सोफे वगैरह के कवर। तो तैयारी करनी है मुझे, तो आज माता रानी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए और जोत जल रही है। पूजा पूजा हो गई है सब, आज दुर्गा सप्तमी भी हो गई, सब कुछ हो गया है। तो अब खाने की तैयारी करेंगे। तो आज मैंने पहले जैसे दुर्गा सप्तमी का पाठ कर लिया था, तो फिर मैंने चलो पूजा से एकदम फ्री हो जाएंगे। तो बजे हैं अभी
10 होने वाले हैं तो खाने की तैयारी करते हैं। तो आटा वाटा गूंदूंगी कि बना रही हूँ आलू के पराठे। और फिर मैं आ गई थी और मैं दिखा रही हूँ अपनी, जैसे धूप दे आई हूँ तो फिर मैं अपनी पूजा वूजा करके सब आ गई थी तो आलू निकालने लगी थी। तो फिर आलू छीलूंगी और गरम है आलू तो अभी मैं कुछ जैसे ठंडा होने दूंगी थोड़ी देर के लिए। फिर मुझे बनाने हैं आलू के पराठे तो इन बच्चों के लिए और बनाएंगे। लेकिन देखो फिर हमारे आलू के पराठे नहीं बने थे क्योंकि मेरे हस्बैंड आज दोपहर में आए नहीं थे तो बच्चों ने सैंडविच खा लिए थे तो उनके सैंडविच बने हैं। और आटा रा शाम के लिए काम आ गया था थोड़ा सा बचा था तो फिर वो कट बना लिए थे। लेकिन अब फिर मैं आलू वालू छील के तैयारी तो पूरी करी थी मैंने आलू के पराठे की। लेकिन काव्या आई थी तो मैंने पूछा काव्या आलू के पराठे बना दूँ तो काव्या ने मना कर दिया था। फिर मैंने बनाई थी सैंडविच बनाए थे, फिर आदि ने भी सैंडविच ही खाए तो दोनों ने सैंडविच खा लिए तो फिर इन्होंने रोटी नहीं खाई थी, पराठा नहीं बनाया था फिर मैंने। तो वो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती। तो अब मैं पिठी बना कर रख दूँगी तो वो ही है, चाट मसाला डाला है, लाल मिर्च है और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी थी। तो लाल मिर्च हरी मिर्च और चाट मसाला नमक हींग और आजकल प्याज वगैरह पड़ रही नहीं है तो फिर नवरात्रि में तो खानी भी नहीं चाहिए। तो ये सब मैं बता रही हूँ, तैयारी हो गई है, उड़दगी के साथ दूंगी। और अभी ये थोड़े से बर्तन हैं तो माजूंगी। तो मैं सोच रही हूँ सोफे के कवर भी जैसे निकाल देती हूँ क्योंकि अब ना जैसे कल मैं जल्दी से धो भी सकती हूँ, अब मैं यहाँ की सफाई कर दूंगी तो जैसे हटा दूंगी तो बदलते हैं सोफे के कवर। और थोड़े से बर्तन हैं वो भी माज के आती हूँ। अब बनाने लिए अपने लिए मखाने भून रही हूँ और मूंगफली है, मूंगफली मैंने पहले ही फ्राई कर ली क्योंकि जल जाती है। और इधर बनाऊंगी चाय अपने लिए। और फिर मैं अपने लिए मखाने तलने लगी थी तो फिर यहाँ पर मैंने मखाने तलने जैसे मूंगफली भून के रखी आई हूँ। तो फिर मैं आ गई थी अपने, देखो सोफे के कवर वगैरह मुझे उठाने हैं वो बिछाने हैं सॉरी। तो फिर मैंने सोचा आज ही कर देती हूँ तो कल वॉशिंग मशीन में सुबह सुबह कपड़े लगा दूंगी तो इसलिए फिर मैंने अपना आज मैं लगा देती हूँ तो सुबह हो जाएगा काम जल्दी से तो कपड़े लगा दूंगी। तो मशीन ज़रूरी होती है लगाना कि अब मशीन सही हो गई है तो मशीन में ही लगेंगे कपड़े। और अब साफ़ सफाई कर लेते हैं और फिर जैसे सोफे के कवर वगैरह भी मैं लगा दूंगी तो अब मैं अच्छे से लग जाएगा। और वाइट कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सोफे पे, मैं कोई भी जैसे बिछा लूँ अपना लेकिन मुझे यही कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वाइट तो अपना ही लुक देता है वाइट कलर के जैसे कवर वगैरह। तो मेरे पास 2-3 हैं, ये एक नहीं है तो हमने ले रखे हैं ये वाले तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सोफे के कवर फिर मैंने सारे बिछा दिए थे, फिर आज मैंने ये नई बेड शीट ली थी तो ये भी बिछा दूंगी। तो देखो ये मात्र 125 रुपये की बेड शीट है और ये मैंने गली में से ही ली थी तो बहुत अच्छी है ये बेड शीट और बहुत सुंदर लग रही थी बिछाकर क्योंकि हल्के कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं हल्के कलर बेड शीट के। मुझे तो हल्के ही अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे बहुत जैसे डार्क कलर नहीं अच्छे लगते क्योंकि इनका जैसे सोफे के कवर और ये बेड शीट वगैरह मुझे हल्के कलर की ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो अपना लुक अलग ही देते हैं और अलग ही रौनक आ जाती है घर में अगर वाइट कलर का। और अब ले आई हूँ मैं अपने लिए मखाने वगैरह और देखो मैंने अपना जैसे बेड शीट वगैरह सब चेंज कर दी है और थोड़ा सा अच्छी लग रही है। और देखो ये बेड शीट कितनी प्यारी लग रही है और ये मैंने अभी ली थी और गली में से ली थी तो मैं कह रही थी मैं दिखाऊंगी और बनाऊंगी। और सोफे वगैरह का जैसे कवर भी लिए हैं मैंने तो एक दिन बनाऊंगी वीडियो और बहुत सारा लिया है तो देखो देखते हैं। और मैं अब अपनी वीडियो का एंड करूंगी क्योंकि सुबह से चल रही है वीडियो मॉर्निंग से तो फिर पूजा पाठ हो गया, अब मखाने और मूंगफलियाँ ले लूंगी तो वीडियो का एंड करेंगे। जय माता दी। है शाम का टाइम तो ये मूंगफली मैंने थोड़ी जैसे करकरा भी कर ली हैं, जैसे फ्राई कर ली हैं। और ये देखो साबूदाना है, आलू है और
कुटू का आटा है तो हम बनाएंगे। और अभी है रात का टाइम, तो मैं आज बना रही हूँ क्या नाम है साबूदाने की पकौड़ियाँ। और ये इसमें साबूदाना डाल दिया है, और देखो आलू है इसमें, और कुटू का आटा है, नमक डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी, तो ये मैं बना लूँगी अपना। और इसे जैसे पानी की ज़रूरत नहीं होती इसमें, और मसल लेंगे। और ये एक घंटा साबूदाना कम से कम 2-3 घंटे पहले फुलाया जाता है, और इसका पानी निकाल के फिर इसमें डाला जाता है, तो इसमें आलू मॉइस्चर छोड़ देता है, और देखो साबूदाना भी गला होता है, तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो और देखो, और ये मैंने मूंगफली भून ली थी, भूनने के बाद में फिर मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसकी पकौड़ियाँ इतनी टेस्टी बनी थी, और पहले आधी नहीं खाता था, एक बार बनाई थी मैंने, तो आज मैंने बनाई तो ये खा गया, और मैं भी जैसे मेरा व्रत था तो इसको टेस्ट लग गया। और जब बच्चे को कोई चीज़ पसंद आती है तो माँ भी अपना दे देती है, ले खा ले, लेकिन इसको मैंने फिर दे दिया था, ले आदि तू खा ले, तो फिर बहुत अच्छी बनी थी। और दीदी को भी दे के आई थी, तो उनको भी दे के आई थी, फिर उनको भी पता नहीं, अब सुबह पूछूँगी कैसी बनी थी, तो उनको भी मैं 6-7 पकौड़ियाँ दे आई थी। और ये बड़ी बड़ी होती हैं तो इन्हें ज़्यादा खाने का भी मन नहीं करता, ये 6-7 5-6 खा लो ये ही, इसी से पेट भर जाता है। और दही लिया था मैंने, और चटनी बनाई थी साथ में, तो बहुत टेस्टी लगी थी और बहुत यम्मी है। आदि ने मूंगफली निकाल दी थी, मूंगफली नहीं खाई थी, उसमें पड़ी हुई थी, कह रहा था मामा मीठी मीठी हो रही हैं, लेकिन मीठी नहीं होती, बच्चे के टेस्ट के ऊपर होता है कि उसे कैसा खाना होता है। तो देखो मैं ऐसे बना बना के डाल रही हूँ, और बहुत ही करारी अंदर से, जैसे बाहर से तो करारी होती हैं, अंदर से थोड़ी सॉफ्ट सी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर मैं ले आई हूँ पकौड़ियाँ, तो अब भगवान जी का भोग भी लगाएंगे हम, तो भगवान जी का भोग लगा देती हूँ। तो भगवान जी, तो सबसे पहले ही भगवान जी का भोग लगाती हूँ, क्योंकि देखो हमारे मंदिर में ना जगह नहीं है रखने की, तो फिर मैं ऐसे ही भोग लगा देती हूँ, और घंटी बजाकर भोग लगाना चाहिए हमेशा, और ऐसे ही भगवान जी खाते हैं। और गाय को भी दे आती हूँ, तो अभी मेरी सीख रही है, तो जब तक गाय को दे के आती हूँ, और थोड़ी सी दीदी को भी दे आऊंगी, वो भी व्रत रही है तो टेस्ट कर लेंगी थोड़ा सा, तो चलते हैं। और अभी तो नहीं खाऊंगी, अभी ये बन रहा है मेरा, तो देखो पकौड़ियाँ बन रही हैं, तो अभी नहीं खाऊंगी, और ये मैं बना के रख दूंगी। तो अब खाना बना बना के बनाऊंगी, तो मैंने बनाई अपने हस्बैंड के लिए लौकी की सब्जी, अंकल जी खाएंगे और ये भी खा लेंगे, तो दो दो रोटी ज़्यादा नहीं खाते, तो पहले इनका कर देती हूँ, और मैं अपनी भी तैयारी कर लेती हूँ, फिर आटे वाटे का होगा तो फिर मैंने पहले ही बना लिए हैं अपनी, तो ये बना के रख दूंगी, और दही और चटनी के साथ खाऊंगी। तो किस किस को पसंद है बताना, और मेरी तो फेवरेट है, और व्रत का खाना सबको पसंद होता है। तो आज मेरा ऐसा दिन रहा, और मैं वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी और हैप्पी नवरात्रि।